अच्छा कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किया था 65 अटेम्प्ट किया था। 65 अटेम्प्ट किया था, किया था लेकिन पेपर नॉर्मल था, ना टफ था ना इजी था। अच्छा आपके क्लास में अटेंडेंस क्या थी? हाँ अटेंडेंस क्या लग रही थी? अटेंडेंस कम से कम आज टाइम 40% थी। अच्छा 40%। अच्छा एक मित्र हमारे लिख कर लेकर आए हैं, इधर इधर उधर देखिए, उधर देखिए, चलिए बताइए। भेल की स्थापना पूछा था, कब हुई थी? रेल की स्थापना, भेल की स्थापना पूछी गई थी। और धावन सोड़ा जो होता है ना, उसका अपना फॉर्मूला दिया था। धावन सोड़ा का फॉर्मूला साइंस में पूछा गया है। और दो रिएक्शन थे कि मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप NaCl मिलाओगे तो क्या बन जाएगा। तो आपने जो तैयारी की है ये कहाँ से तैयारी की है? मैं सबसे पहले रोजगार विद अंक चैनल है ना, जो हमारे सरकार वो ऑफलाइन पढ़ाते थे काफी समय पहले, आज से कम 3 या 4 साल हो गई होंगी ऑफलाइन पढ़ाते थे। ऑफलाइन पढ़ाने के बाद मैं उनसे ऑफलाइन ही क्लास लेता था। ये बाद में फैकल्टी आई, तमाम फैकल्टी आने के बाद उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। एक नंबर कोचिंग सेंटर रोजगार विद अंकित है, इससे तैयारी करो। अगर तैयारी नहीं हो, अच्छी नहीं होती है तो वो ऐसे टीचर है। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो भाई एक बार, बहुत शानदार। बहुत अनुशासन देते हैं बच्चों को, मोटिवेशन देते हैं, बच्चा पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। कब तक नहीं पढ़ेगा? जो बच्चा पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।